अभी हम शोभा सोनार थिएटर के जस्ट पास में जहाँ पे आप लोग VVIP देखने वाले, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तैयारियाँ सारी हो गई है। बस चेयर लगेगा और शो कल से स्टार्ट, कल से शो स्टार्ट हो जाएगा। पहला शो कल दिखाया जाएगा हर हाल में, तो कल हर हाल में आप लोगों को पहला शो देखने मिलेगा। तो आप लोग कल जरूर विजिट करें। अगर फर्स्ट शो देखना चाहते हैं किसी भी थिएटर का, चाहे शोभा सम्राट हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे इंडिया थिएटर, तो कल से फाइनली किसी भी हाल में आप लोगों का ये थिएटर शो स्टार्ट हो रहा है। फाइनली यहाँ पे न्यू इंडिया थिएटर का जो गेट वगैरह है सब कुछ बनकर तैयार हो गया, और ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट से अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या है न्यू इंडिया थिएटर बनने के बाद कैसा दिख रहा है। तो फाइनली हमें न्यू इंडिया थिएटर के अंदर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी तैयारियाँ हो गई है, सिर्फ यहाँ पे चेयर लगाना है। बहुत सारे लोग बैठ कर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अभी मौसम के हिसाब से यहाँ पे बहुत टेम्परेचर ठंडा हो गया है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे पहले वो तो दिख नहीं रहे, बट यहाँ पे कुछ नए लोग हैं, तो उन लोगों से बात करेंगे कि थिएटर के बारे में क्या है। तो बताओ थिएटर को लेकर तुम लोग कितना एक्साइटेड हो? कहाँ से आए हो तुम लोग देखने के लिए? यही मतलब राजगीर से ही हो? जी नहीं, थाना पड़ता छोलापुर, ठीक है ना, घर ये आता किस में है? नवादा में या ना राजगीर में? आपका नालंदा आता है? नालंदा में आता है। तो नालंदा से लोग अभी थिएटर आज ही से थिएटर देखने के लिए आ गए? आज हम लोग आए हैं देखने के लिए कैसा सजावट है, कैसा जमुना। अच्छा, आज का आप लोग सजावट देखने के लिए आगे, कैसा सजावट है? तो देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना एक्साइटमेंट है थिएटर को लेकर, कि लोग आज ही से आ रहे हैं। तो यहाँ पे चाचा बैठे हुए हैं, तो चाचा कहाँ से आ पाए हैं? कहाँ से आ पाए हैं? लोकल गाँव से। लोकल गाँव यही आसपास से हैं, तो थिएटर देखने के लिए, सजावट देखने के लिए आए हैं। तो कल से थिएटर देखिएगा, थिएटर देखने के लिए पूरा उत्साह है। तो देखिए लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है थिएटर देखने के लिए। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों से पूछेंगे क्या थिएटर कल से चालू हो रहा है या नहीं। थिएटर चालू हो रहा है भैया कल से? फर्स्ट तो कल दिखाया जाएगा, चालू तो होगा। कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों को थिएटर देखने के लिए? यहाँ पे भैया लोग, इन लोगों का कहने का है कि ये जो पंडाल है काफी थिएटर से, जो थिएटर का ये पंडाल है काफी अलग है और थिएटर से, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली एसी थिएटर होने वाला है। जैसा कि आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि राजगीर के अंदर या थिएटर के अंदर आप लोगों को फुल्ली एसी मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। यानी जब आप जिस हिसाब से पैसा लगाएंगे आपका उस हिसाब से पैसा भी वसूल जाएगा, क्योंकि आप एसी में बैठ कर थिएटर देखेंगे। अनबिलीवेबल मोमेंट होने वाला है। और अभी तो फिलहाल यहाँ पे कूलर भी है, बट एसी भी सारा लग चुका है, और एसी भी एक दो तीन नहीं है, पूरा लाइन से एसी देख सकते हैं आपके चारों तरफ एसी लगा, उसके बावजूद कूलर भी यहाँ पे रखा जाएगा। यानी यहाँ का जो टेम्परेचर होने वाला है, यानी मौसम जो होने वाला है वो ऑसम होने वाला है, काफी ठंडा और काफी बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अंकल है, अंकल बताइए न्यू इंडिया थिएटर क्यों है खास और लोगों को क्यों आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए? थिएटर इसलिए खास है कि पूरा एकदम वाटरप्रूफ पंडाल है। और क्या क्या है? एक बूंद पानी नहीं गिरेगा, कहीं कोई बांस का खम्भा नहीं खड़ा, सब हैंकर पंडाल लगाया गया। और कलाकार पूर्णतः एसी है, ये हॉल फुल्ली तो एसी मैंने लोगों को दिखा दिया। कलाकार कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार तो सब बाहर से ही रहते हैं, सब बाहर से ही आ रहे हैं, दिल्ली से। कल पहला शो दिखाया जाएगा? नहीं, 18 तारीख को, हाँ पहला शो कल 7 बजे शाम से। कल 7 बजे शाम से थिएटर स्टार्ट हो जाएगा? कल 7 बजे शाम से थिएटर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि अंकल ने बताया कि कल 7 बजे शाम से न्यू इंडिया थिएटर चालू हो जाएगा, तो फर्स्ट शो देखने के लिए आप लोगों को विजिट कीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट शो की बात होती है वो और शो से अलग होती है। तो कल फर्स्ट डे है, फर्स्ट शो देखने के लिए आप लोग जरूर विजिट कीजिए न्यू इंडिया थिएटर, जो कि आपको मलमास मेला में इस बार फुल्ली एसी के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो ये न्यू इंडिया थिएटर के स्टेज, अभी तो ये खाली दिख रहा है, मगर कल से ये पूरा फुल्ली होगा। और ये जगह, ये भी आप लोगों को चेयर दिख रहा होगा, कुछ लोग बैठे हुए हैं ये भी दिख रहा होगा, बाकी चेयर दिख रहा होगा। कल से ये सारा चीज भर जाने वाला है। और यहाँ पे कल जो और भी यहाँ पे कल डेकोरेशन होगा, जो कि फ्लावर्स वगैरह से जो भी होगा वो कल आप लोगों को देखने के लिए। मगर यहाँ पे अभी जो यहाँ पे लाइटनिंग देख सकते हैं, लाइट और साउंड, ये दो चीज का जो कमाल होता है थिएटर के अंदर, तो वो काफी अलग और काफी यूनिक बनाया गया न्यू इंडिया थिएटर के अंदर। तो यहाँ पे भाई जो थिएटर देखने आए हैं, तो ये थिएटर के साथ साथ ये सिंगिंग के बहुत बड़े शौकीन है, जो कि भोजपुरी में अपना गाना गाते हैं, और इनका बहुत सारा एल्बम भी जो रिलीज हो चुका है ऑडियो में, बट वीडियो में नहीं है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम सिंगर छिटू देवाना बा, ठीक बा। और हम लोग आज देखने आए हैं राजगीर मेला का माहौल कैसा है, ठीक है। आप अपने बारे में बताइए, आप किस तरह का गाना गाते हैं? और जी, हम तो भोजपुरी गाते हैं, भक्ति गाना भी गाए थे 2015 में गाए थे, भक्ति गाना भी गाते हैं। भक्ति गाना का जो जितना भी गाना भोजपुरी सुनने वाला है उतना सुनता भी नहीं है। अच्छा, अश्लीलता ज्यादा सब सुनता है, समझे ना? अच्छा जी, तो कब से आप गा रहे हैं? हम तो गा रहे हैं 2018 से गा रहे हैं। 2018 से गा रहे हैं जी। तो सिर्फ भोजपुरी ही गाते हैं या हिंदी भी गाते हैं? सब गाना गाते हैं, भोजपुरी हो गया, भक्ति संग हो गया, बोलबम हो गया, सब गाना गाते हैं।
तो आपका YouTube चैनल भी है? हाँ। कौन सा चैनल है? सिंगर सिद्धू दीवाना। सिंगर सिद्धू दीवाना सर, इनके YouTube चैनल है, वहाँ पे जाकर इनकी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गए जिमनी सर्कस में, क्योंकि सर्कस के बारे में पता करना है कि सर्कस कल फर्स्ट 3 बजे से दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा। अगर आप डेट दे रहे हैं तो सारा अपडेट देना बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो सर्कस के अंदर चेयर लग चुका है, यानी पूछ लेते हैं लोगों से कि कल से सर्कस स्टार्ट होगा, पहला शो दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। भैया कल से पहला शो दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? कल पहला शो होगा 7:30 बजे से कल पहला शो होगा। और बाकी दिनों का टाइमिंग क्या होगा? 4 बजे 7 बजे 9 बजे। तो बाकी जो टाइमिंग होने वाले वो 4 बजे से है, कल जो पहला शो दिखाया जाएगा वो 7 बजे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, अगर सर्कस का पहला शो देखना है तो कल 7 बजे पहला शो होगा, आप लोग उसके लिए विजिट करना होगा और सर्कस का पहला शो आप लोग जरूर देख सकते हैं। तो ये था अपडेट आज का 17 तारीख का कि कौन कौन सा शो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से सब कुछ स्टार्ट हो रहा। कल आप आएंगे तो थिएटर भी देख लेंगे, सर्कस भी देख लेंगे, बाकी झूला भी, क्योंकि काम बहुत तेजी से हो रहा है। जितना पिछले दिनों में काम नहीं हो के दुगना तेजी से आज काम हो रहा, क्योंकि कल से हर हाल में मलमास मेला शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जरूर आइए, कल से विजिट कीजिए, एंजॉय कीजिए और यहाँ पे खूब मजे कीजिए। मिलेंगे आप कल से थिएटर वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुछ नया अपडेट लेके कल जुड़े हैं हम आप लोग।